नमस्कार मेरे दोस्त, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ मेरे दोस्त कि जो पुराना आलू होता है उसको मार्केट में नया करके कैसे बेचते हैं। मेरे दोस्त, जब आप खरीदने जाते हैं, देख लीजिए इस प्रकार का आलू, तो ये नया नहीं रहता है, ये पुराना रहता है, इसे नया बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है चलिए हम बताते हैं। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देख लीजिए, ये आलू है, ये मार्केट से लाया हूँ मैं, 3 किलो आलू है, इसको मैं नया बनाऊँगा। देख लीजिए आप इस वीडियो को कैसे नया बनाते हैं। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए, ये पानी है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, इसमें देख लीजिए कुछ पाउडर है, केमिकल है जो हम डाल रहे हैं। ये केमिकल डालने से ये होता है कि जो आलू का छिलका होता है वो जल्दी से निकलता है ऊपर का, और इसके बाद में इसमें जो मिठास होता है आलू में, ये मिठास को ख़त्म कर देता है। और एक चीज़ इसमें ये रहता है, आप जब आलू काटते हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा कि ये आलू एकदम नया है, इसीलिए ये केमिकल डाला जाता है। तो देख लीजिए, अभी इस पानी में हम ये आलू डाल रहे हैं, और इस आलू को पानी में डालने के बाद मेरे दोस्त देख लीजिए 12 घंटा आपको भिगा के रखना है। जैसे कि देख लीजिए, इस आलू को हम पानी में डाल रहे हैं, पूरा डाल दो, इस आलू को डाल रहे हैं देख लीजिए, और इसको ऐसे डाल के और इसे रख देंगे मेरे दोस्त 12 घंटे बाद। मेरे दोस्त, 12 घंटे बाद निकालना है इस प्रकार, देख लीजिए पानी को छान लेना है, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए, अभी इस प्रकार हम इसमें में से पानी से निकाल लेते हैं आलू को। देख लीजिए, आलू पूरा निकाल के, और इसके बाद में अब इसका जो छिलका होता है ऊपर का, एकदम मुलायम हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है छिलका। ऐसे हाथ से आप रगड़ देंगे तो इसका छिलका निकल जाएगा, ये सब पाउडर का कमाल रहता है। तो देख लीजिए, ये आलू हम फर्श पे गिरा रहे हैं, और फर्श पे गिराने के बाद क्या करते हैं चलिए देखते हैं आगे। देख लीजिए, और ये मिट्टी है, देख लीजिए ये मिट्टी लाल कलर की है। ये मिट्टी लाल वाला इसलिए डालते हैं कि जैसे मार्केट में जब आप आलू बेचते हैं तो सबको ये लगे कि अरे यार, ये तो बाहर का आलू है, ये तो ये मिट्टी अपन इधर तो है ही नहीं, ये बाहर का आलू है, यहाँ का आलू नहीं है। तो इसलिए सबको विश्वास हो जाता है कि ये मिट्टी लाल है, इसलिए अपने यहाँ का आलू नहीं है। तो देख लीजिए, मिट्टी डाल करके और इसको रगड़ना पड़ता है अच्छी तरीके से। जब इसको रगड़ देते हैं अच्छी तरीके से तो देख लीजिए, आलू इस प्रकार हो जाता है। देख लीजिए, आपके सामने है मेरे दोस्त, देख लीजिए इस प्रकार हो जाता है, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये नया आलू है। देख लीजिए, इसके जो ऊपर का छिलका होता है, देख लीजिए किस प्रकार ये निकल चुका है। देख लीजिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं उठा के आलू, देख लीजिए ऐसा लग रहा है कि इसका जो छिलका है निकल चुका है, तो आपको लगेगा कि ये नया आलू है। मगर दोस्त, नया आलू जब रहता है तो उसके ऊपर से छिलका नहीं निकलता। आप भी खेती करते हैं, आलू खोदते हैं, जानते हैं, देख लीजिए कभी भी जब आलू आप खन के लाते हैं तो उसका ऊपर का छिलका निकला नहीं रहता है, उसमें छिलका ही नहीं रहता है। आप वैसे ही काट के बना लीजिए, उसमें छिलका नहीं निकलेगा। और देख लीजिए, इसमें मोटा छिलका रहने की वजह से ये छिलका निकल जाता है। तो मेरे दोस्त, ये नया आलू नहीं रहता है। हाँ, इसमें आता है नया आलू, मगर उसका क्वालिटी अलग रहता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। हम मार्केट में जब मार्केट करने जाएं तो आलू को पहचान बहुत ध्यान से करें मेरे दोस्त, ध्यान से आप पहचान कर लीजिए आलू का, तभी मार्केट से आलू खरीदिए मेरे दोस्त। क्योंकि ये केमिकल डला हुआ आलू, जो डुप्लीकेट आलू है, आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है मेरे दोस्त। तो आप जब भी आलू मार्केट से खरीदें तो ध्यान से खरीदें, उसे पहले चेक कर लीजिए ये नया आलू है या पुराना आलू है, ये बनाया हुआ है या नया आलू है, तभी मार्केट से आप आलू खरीदिए मेरे दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा मेरे दोस्त, भूलना मत शेयर करने के लिए। हम चलिए अभी दिखाते हैं आलू आपको नया कैसे रहता है और पुराना किस प्रकार का रहता है। तो पहले आप देख लीजिए कितना बढ़िया आलू बन चुका है, देख लीजिए ये पुराना ही आलू मैं नया बना के आपको दिखा रहा हूँ, कैसे मार्केट में बना के लोग बेचते हैं। तो देख लीजिए कितना बढ़िया बन चुका है, और आपको इसको हम काट के भी दिखाते हैं किस प्रकार का ये कटता है।
वो केमिकल डालने की वजह से जब आप काटेंगे तो देख लीजिए आपको ऐसा एहसास होगा कि ये नया आलू है, क्योंकि जब आप चाकू चलाएंगे तो ऐसा पानी निकलेगा तो आपको ये लगेगा कि ये नया आलू है, क्योंकि जो 12 घंटा हम भिगा दिए हैं ना, इसलिए वो पानी खींच लिया है। तो देख लीजिए आपको एकदम नया आलू एहसास होगा। अगर ये जब आप खाएंगे तब भी आपको यही एहसास होगा कि जैसे नया लग रहा मगर ये नया रहता नहीं है। देख लीजिए अब ये आलू हम बना के, पुराना आलू बनाने के बाद इस प्रकार दिखता है। देख लीजिए इसी प्रकार बना करके गोनी में रख देते हैं। देख लीजिए ये सब जैसे बनाते हैं जो लोग, उनके पास मशीन होता है क्योंकि उन्हें ढेर सारा बनाना होता है, तो उनकी क्वालिटी और भी बढ़िया आता है। तो देख लीजिए इसमें कितना प्रकार फुकला है, और ये नया आलू है मेरे दोस्त। देख लीजिए इसके ऊपर आपको फुकला नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर जो छिलका होता है वो नहीं दिखाई देगा मेरे दोस्त। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।